इसके बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिर कैसे फेल हुई कांग्रेस की रणनीति, अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब यकीनन कांग्रेस के अंदर ढूंढा जाएगा। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार पर गहन मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस आलाकमान तक पूरा मसला पहुंचा है। नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मामले को गंभीरता से लिया। इस दौरान गोविंद मेघवाल, मुमताज मसीह, रीटा चौधरी से हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी गई। आज रात या कल सुबह तक पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। संभवतः कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आलाकमान को रिपोर्ट भेजेंगे। तीनों की रिपोर्ट में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का जिक्र होने की चर्चा है। विधायक सोलंकी ने जैकी टाटीवाल को लेकर जिम्मेदारी ली थी। जैकी द्वारा जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जैकी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, अगर इस पूरे घटनाक्रम में वेद प्रकाश सोलंकी की भूमिका आती है या उन पर क्वेश्चन होता है, तो सवाल राजस्थान के जनता के जहन में आएगा कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, जिला प्रमुख चुनाव में हार से नाराज ये जो नाराज आलाकमान, उन्होंने एक रिपोर्ट मंगाई, जिम्मेदारी तय करने की बात की है, और अब ये भी जो कार्रवाई की तलवार भी लटकी हुई। आपको मैं बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से रिपोर्ट मांगी गई है आलाकमान ने, और हार के कारणों और जिम्मेदारियों का ब्यौरा मांगा है माकन ने, और माकन ने प्रदेश अध्यक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से विजेंद्र ने साफ जाहिर था कि किस तरह का जो इस पूरे प्रकरण का जो मामला दिल्ली तक पहुंचा है और उसमें जिम्मेदारी तय करने की बात है। देखिए, मामला तो है पंचायत चुनाव का, लेकिन असल में एक बार फिर विजेंद्र इससे वो कली खोल दी जिसको बार बार ढकने की कोशिश दिल्ली और माकन साहब करते रहे। माकन साहब हाल ही में एक विधायकों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये था कि आज नहीं तो कल मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा, और विधायकों की बैठक के बाद ये मैसेज दिया गया कि बड़ी ही हर्षोल्लास और एक बॉन्डिंग वाली बैठक थी, और संगठन की बातें कही थी कि संगठन की मजबूती, तमाम तरीके की चीजें जिसमें विधायकों ने अपना अपना ब्यौरा दिया। लेकिन मतलब जीती हुई बाजी हारी कैसे जाती है और ये किसकी वजह से, क्यों जो ये पूरी स्ट्रैटेजी है ये नाकाम रही, कहां चूक हो गई कांग्रेस ने, इन तमाम बातों पर एक रिपोर्ट मांगी थी। आपको बता दूं कि तीन लोगों ने वो रिपोर्ट सौंप भी दी है, और रिपोर्ट सौंपने जिसमें मुमताज मसीह है, जिसमें रीता जो तमाम चौधरी है, और वो तीनों जो लोग हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है आज रात को या कल सुबह तक। रिपोर्ट तैयार होके प्रदेश अध्यक्ष को चली जाएगी, अब माना जा रहा है कि आज देर रात तक प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच जाएगी। उस रिपोर्ट में तीनों ने यही उल्लेख किया है कि वेद प्रकाश सोलंकी का जो पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट था उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने उन सारी बातों का उल्लेख किया जो आप कर रहे थे वीरेंद्र, कि उन्होंने ये गारंटी ली थी कि जैकी की जिम्मेदारी उनकी होगी, पर जैकी ने क्रॉस वोटिंग कर ली, और उमा देवी पे तो उमा देवी सबसे क्लोज मानी जाती थी वेद प्रकाश सोलंकी की, लेकिन वो भी भाजपा में शामिल हुई थी। तो ऐसे में बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।